तो आज है मेरा प्रेगनेंसी का 9 मंथ का 3rd डे। सो फाइनली नाइट ड्यूटी फिनिश और फेस पे टायर्डनेस देख सकते हैं क्योंकि नींद आ रही है और नाइट ड्यूटी हो चुकी है ख़त्म। घर जाके सोएंगे बहुत सारा रुस्से। और फिर हम घर आने के लिए यहाँ पे निकल चुके थे और कितना अच्छा वेदर हो रखा था क्योंकि बारिश हुई थी, तो उसके बाद बहुत अच्छा सा वेदर हो गया था दिल्ली का। और सबसे बेस्ट चीज़ जो दिल्ली की AQI थी, पता कितनी थी? 53। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि दिल्ली इतना पोल्यूशन फ्री हो चुका था बारिश के बाद। और फिर घर आने के बाद मैंने किचन की सफाई की क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना था। और फिर उसके बाद सफाई करने के बाद मैं नहाने चली गई और बाहर हो रही थी बहुत अच्छी बारिश, तो उसको देख के बहुत अच्छा सा मन हो रहा था। और यहाँ पे क्यू खेल रही थी साथ ही में। फिर उसके बाद मैं रेडी हुई और मैंने की पूजा, पूजा करके मैं फ्री हुई। और ये ले रहे थे उस टाइम पे क्लास। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो है मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट बना रहे थे, उसी बीच में मैंने अपना दूध वगैरह पी लिया था। फिर उसके बाद करने लगे लंच की तैयारी। लंच की तैयारी की और मैंने पिया यहाँ पे अपना दूध। इतने में तेज बारिश हो गई थी, बारिश अच्छे से होने लगी थी। और बारिश की वजह से मेरे प्लांट्स इतने सुंदर हो गए थे। मैंने आज इनकी कटिंग वगैरह भी की थी, गंदे प्लांट्स जो गर्मी में जल गए थे, उसके बाद बारिश आ गई थी तो मैंने सोचा इनको मैं अच्छे से कर देती हूँ, तो ये इसलिए सारे इतने रिफ्रेशिंग लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया खाना, अपना लंच रेडी किया। दाल बनाई थी, फिर दाल बन रही थी। इतनी देर मैंने बारिश को इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा वेदर था, इतने टाइम बाद बारिश देखने को मिली थी। हेलो बोलो, हेलो 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 बोलो। क्यों कब्बू को देख रहे हो क्या? आप कब्बू नहीं दिख रहा क्या? कब्बू कब्बू। फिर हमने किया रेस्ट। रेस्ट करके उठे तो भूख लग गई थी, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाया मैगी और चाय, क्योंकि मैगी वाला बारिश का मौसम हो रहा था। तो ये था गाइस हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।